फिल्म एक्सप्लेन टीवी पर जेंडिंग ब्रह्मास्त्र ऋषियों ने अस्त्र प्राप्त किया, उन अस्त्र का पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षा होती आई। बांदर अस्त्र, नंदी अस्त्र और अग्नि अस्त्र, ये तीनों मिलकर बना ब्रह्मास्त्र जिसके तीन टुकड़े हो चुके हैं और ये तीनों टुकड़े अलग अलग लोगों के पास है। सीन पर जेंट में आता है जहाँ शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके पास भी शक्तियाँ हैं, लेकिन शिवा अपनी शक्तियों से अनजान होता है। शिवा को बीच बीच में ऐसे सपने आते हैं जैसे कि वो इन सब से जुड़ा हुआ है। शिवा अपने सपनों में कुछ अजीब तरह के लोगों को देखता है जिसका नाम जोर जुनून और रफ्तार होता है। ये लोग ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों की तलाश में है जो कि अलग अलग लोगों के पास है। इसे एक मोहन नाम के आदमी के बारे में पता चला है जिसके पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा है। मोहन एक साइंटिस्ट है जिसके घर में जोर जुनून रफ्तार घुस जाता है और मोहन से ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा मांगता है। नहीं देने पर वहाँ पे जोरदार फाइट होने लगती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि मोहन के पास बांदर अस्त्र है जिसकी वजह से वो कहीं से भी हाई जंप कर सकता है। लेकिन किसी तरह जुनून मोहन को अपने काबू में कर लेती है। तभी शिवा का आंखें खुलता है। आज नवरात्रि का आखिरी दिन यानी कि विजयदशमी था, इसलिए यहाँ पे एक जोरदार पार्टी चल रही होती है और उसी पार्टी के बीच में शिवा ईशा को देखता है और शिवा को ईशा से प्यार हो जाता है। ईशा जैसे ही पार्टी से निकलती है तो शिवा भी उसका पीछा करता है। दरअसल शिवा ईशा से बात करना चाहता था। जैसे ही शिवा ईशा से बात करता है तो उसे पता चलता है ईशा बहुत ही बड़े घर से है और वो लंदन में रहती है। यहाँ पे शिवा ईशा से काफी देर तक बातें करता है जहाँ पे ईशा शिवा को कहती है कि वो अभी एक बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने जा रही है, क्या वो उसके साथ जाना चाहेगा। तो शिवा कहता है वो नहीं जा सकता क्योंकि उसका कोई और इंतजार कर रहा है और उसे वहाँ जाना ही होगा। शिवा ईशा को अपने साथ चलने को कहता है। वो कहता है भले ही वो एक बड़ी पार्टी नहीं है लेकिन वो वहाँ जाकर खुश जरूर हो जाएगी। शिवा ईशा की बात मान जाती है और वे दोनों मिलकर पार्टी में आते हैं। वो पार्टी एक अनाथ आश्रम बच्चे की थी और वे बच्चे शिवा का इंतजार कर रहा था। दरअसल शिवा भी अनाथ होता है और वो यहीं से पलावरा होता है और ये बच्चे ही शिवा की फैमिली होती है। जिसके बाद शिवा ईशा बच्चों के साथ मिलकर खूब डांस करते हैं जहाँ पे शिवा ईशा को बताता है कि उसके पिता उसके पैदा होने से पहले ही जा चुके थे और उसकी माँ उसके जन्म के एक साल बाद गुजर गई। तब से ये बच्चे उसकी पूरी फैमिली है। यहाँ पे वे दोनों खूब बातें करते हैं और वे दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। तभी शिवा को फिर से वही सपने आने लगते हैं जहाँ पे जोर जुनून रफ्तार उस साइंटिस्ट के घर पर था और उसे मोहन से ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा भी मिल चुका था। उन्हें ब्रह्मास्त्र के दो टुकड़े और भी चाहिए थे लेकिन मोहन यहाँ पे सिर्फ एक ही टुकड़े के बारे में बताता है जो कि मूर्तिकार अनिश चट्ठी के पास था। जोर जुनून रफ्तार को तीसरे टुकड़े के बारे में भी जानना था लेकिन मोहन उसे तीसरे टुकड़े के बारे में नहीं बताता है और उसके टॉर्चर के कारण ऊपर बालकनी से ही कूद कर सुसाइड कर लेता है। अगले दिन शिवा ईशा से मिलता है और उसे इन सारी चीजों के बारे में बताता है। उसने एक मोहन नाम के साइंटिस्ट को देखा जिसे कुछ अजीब तरह के लोगों ने मार डाला लेकिन अखबार में न्यूज आई है कि उसने सुसाइड कर लिया। अब वे लोग किसी अनिश सेठी नाम के आदमी को मारने वाला है जो कि फिलहाल अभी बनारस में है और मुझे उसे बचाना होगा। तो ईशा कहती है वो भी उसके साथ चले कि वे दोनों बनारस आ जाते हैं जहाँ पे वे दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी शिवा के हाथों में आग लग जाता है। ये देख ईशा काफी घबरा जाती है तो शिवा उसे कहता है उसे आग से डर नहीं लगता, बचपन से ही उसका आग से गहरा कनेक्शन है, आग से उसका हाथ नहीं जलता है। लेकिन शिवा अब तक ये बात किसी को नहीं बताई थी। तभी शिवा का नजर जोर जुनून रफ्तार पे पड़ता है जो कि बनारस आ गया था और वे लोग वहीं जा रहे थे जहाँ पे अनिश सेठी था। तभी शिवा उनके बीच जाता है और उन दोनों के बीच काफी जोरदार फाइट होने लगती है। वे लोग शिवा को मार देता, उससे पहले ही वहाँ पे अनिश सेठी की एंट्री होती है। यहाँ पे अनिश सेठी शिवा और ईशा को यहाँ से बचाकर ले जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि अनिश सेठी के पास नंदी अस्त्र है और साथ में उसके पास ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा भी होता है। यहाँ पे अनिश वो टुकड़ा शिवा को दे देता है और जल्दी आश्रम जाने को कहता है क्योंकि अनिश को ब्रह्मास्त्र के दूसरे टुकड़े के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होता है, इसलिए ये टुकड़ा को आश्रम पहुंचना बहुत जरूरी है। तभी जोर जुनून एक ट्रक लेके इसकी तरफ आने लगता है। ये देख अनिश शिवा ईशा को जल्दी आश्रम भेज देता है और खुद उनसे फाइट करने लगता है। अनिश अपने नंदी अस्त्र का यूज कर ट्रक को खाई में पलटा देता है लेकिन जुनून तुरंत अपनी रक्षा कवच को ऑन कर लेती है जिसकी वजह से वे दोनों बच जाते हैं लेकिन अनिश सेठी की मौत हो जाती है। इधर शिवा और ईशा के पीछे रफ्तार पड़ा था जिसके पास मोहन का बांदर अस्त्र था जिसकी वजह से वो कहीं पर भी हाई जंप करके पहुंच सकता था जहाँ पे उन दोनों के बीच फाइट होती है। लेकिन शिवा रफ्तार को खाई में गिराकर खुद सही सलामत आश्रम पहुंच जाता है जहाँ पे शिवा और ईशा एक दूसरे के सामने प्यार का इजहार करते हैं। यहाँ पे एक गेट भी लगा होता है जिसे फाड़कर शिवा अंदर चला जाता है लेकिन ईशा बाहर ही रह जाती है। तभी हम देखते हैं कि रफ्तार मरा नहीं, वो जिंदा है। वो ईशा को मारने आता है। तभी शिवा के पास कुछ शक्तियाँ आती है और वो रफ्तार को जला के मार डालता है और ये सब होता है वो आश्रम के गुरुजी भी देख लेता है। वो समझ जाते हैं कि उनके यहाँ पे कोई नई शक्ति आई है पर गुरुजी को ये भी मालूम होता है कि शिवा अपनी शक्तियों से अनजान है, उसे अपनी शक्तियों का यूज करना बिल्कुल नहीं आता है, उसे बहुत कुछ सिखाना होगा। लेकिन शिवा उसे कहता है कि वो इस लड़ाई में उनकी साथ नहीं दे सकता है क्योंकि वो ईशा से बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि वो किसी भी लड़ाई की वजह से ईशा को खो दे। तभी गुरुजी उसे कहता है अगर उसे उसके माता पिता के बारे में जानना है तो उसे यहाँ पे रहना पड़ेगा और बहुत कुछ सीखना भी पड़ेगा। तभी ईशा को वापस घर भेज दिया जाता है क्योंकि शिवा का ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला था। गुरुजी को मालूम था कि शिवा के पास अग्नि अस्त्र है लेकिन
उसका कैसे यूज करना है वो शिवा को नहीं आता। शिवा जब भी प्रॉब्लम में फंसता तो अग्नि अस्त्र अपने आप सामने आके शिवा की रक्षा करने लगता। दूसरी तरफ हम जोर को देखते हैं जो ईशा के पास आता है। दरअसल वो आश्रम का पता जानना चाह रहा था। इसके पास नंदी अस्त्र भी था जो इसने अनिश सेठी से लिया था। वो ईशा पे हमला करता है लेकिन ईशा के पास गुरु जी के भेजे प्रोटेक्टर होते हैं जो ईशा को बचा लेते हैं। ईशा पे हमला हुआ इसका ऐसा शिवा को भी हो जाता है। वो तुरंत जाके ईशा को कॉल करता है लेकिन ईशा कहती है वो बिल्कुल ठीक है। शिवा परेशान हो जाता है और उसे अपनी शक्तियों का एहसास भी हो जाता है जिसकी वजह से वो आके गोले बना बना के फेंकने लगता है। उसी वक्त से उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है जिसमें शिवा अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल करने लगता है। तभी गुरुजी शिवा को सारे अस्त्र के बारे में बताता है कि किस अस्त्र का क्या यूज है। सबसे पहला अस्त्र है बांदर अस्त्र जो कि मोहन के पास था, और दूसरा अस्त्र है नंदी अस्त्र जो कि अनिश सेठी के पास था, और तीसरा अस्त्र है प्रभा अस्त्र जो कि गुरुजी के पास एक तलवार की तरह होती है, और चौथा अस्त्र है गजा अस्त्र जो कि एक छोटे बच्चे लिटिल टैंसी के पास होती है, और पांचवा अस्त्र है नागधनुष अस्त्र जो कि उसी आश्रम में रहने वाले एक लड़के के पास होता है, और सबसे अंतिम अस्त्र है अग्नि अस्त्र जो कि शिवा के पास था, और यही अस्त्र अब तक का सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गुरुजी शिवा को देव के बारे में बताता है। उसके पास भी सारे अस्त्र था लेकिन देव अग्नि अस्त्र का बादशाह था। लोग उन्हें अग्नि देव कह के पुकारा करते थे लेकिन देव को ब्रह्म देव बनना था और वो ब्रह्मास्त्र को पाकर ही बन सकता था। देव कई सारी लड़ाई लड़ने के बाद ब्रह्मास्त्र तक पहुँच गया जिसे ऋषि मुनियों ने और उसकी रक्षा करने वाले ब्रह्मास्त्र ने इतने सदियों तक शांत रखा। एक दिन वो अचानक से जाग गया। उसके जागने से धरती फटने लगी, आसमान आग उगलने लगा, धरती नष्ट होने के कगार पे आ गई थी। तभी एंट्री होती है ब्रह्मास्त्र की एक ध्रुव की इक्के की जिसका नाम अमृता होता है। अमृता और देव साथ लड़कर ब्रह्मास्त्र के टुकड़े कर दिया जिससे दुनिया तो बच गई लेकिन ब्रह्मास्त्र के टुकड़े हो जाने पर हमें सिर्फ दो ही टुकड़े के बारे में मालूम है। तीसरा टुकड़ा कहाँ गायब हुआ किसी को नहीं पता, और जिस द्वीप पर लड़ाई हो रही थी उस द्वीप को समुद्र निगल गया जिससे अमृता और देव की मृत्यु हो गई, ऐसा दुनिया वालों का कहना था। लेकिन अमृता तब भी जिंदा थी और अमृता और देव का जो रिश्ता था वो प्यार का रिश्ता था और शिवा उसी का बेटा होता है। दूसरी तरफ जुनून सारे गाँव वालों को अपने में कर ली थी और उसे एक विशाल फौज बना ली थी। जुनून को सिर्फ इतना जानना था कि आश्रम कहाँ पे है। जैसे ही उसे आश्रम के बारे में पता चलेगा वो आश्रम पर हमला करके ब्रह्मास्त्र के सारे टुकड़ों को हासिल कर लेगी। इधर खुद की सच्चाई जानने के लिए शिवा जुनून का माला पहन लेता है जहाँ पे वो एक अलग ही दुनिया में खो जाता है। इससे पहले वो और कुछ जान पाता जुनून को उसके बारे में पता चल जाता है और वो उस पर हमला करने आने लगती है। तभी गुरुजी अपने प्रभा अस्त्र से सबको रोकता है और वापस जल्दी से आश्रम आ जाता है। आश्रम आते ही शिवा ईशा को देखता है जो वापस आ गई थी। ये देखकर शिवा काफी खुश हो जाता है। यहाँ पे ईशा शिवा की कुछ चीजें अपने साथ लेकर आई थी जो गुरुजी ने ही लाने को कहा था, जिसमें से एक शंख भी होता है। शंख को देखते ही गुरुजी शिवा को उस पर कुछ खून की बूंदें डालने को कहता है। शिवा वैसा ही करता है तो वह शंख एक ब्रह्मास्त्र के टुकड़े में बदल जाता है। इसका मतलब शिवा की माँ अमृता के पास ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा था। तभी जुनून अपनी पूरी फौज के साथ आके आश्रम पर हमला कर देती है जहाँ पे काफी जोरदार फाइट होता है। जुनून सबको बंदी बना लेती है जहाँ पे शिवा गुरुजी के पास आके कहता है हमें उन्हें वो आखिरी टुकड़ा दे देना चाहिए, वो सब संभाल लेगा। गुरुजी को भी शिवा पे भरोसा होता है और वो हाँ कर देता है। शिवा एक प्लान बनाकर जुनून को वो टुकड़ा देने जाता है और सामने आते ही सब पर आका गोला बरसाने लगता है। ईशा भी शिवा के साथ थी इसलिए वो एक बहुत बड़ा आका बमंड ईशा के सुरक्षा के लिए खड़ा कर देता है। इसे देखकर जुनून जल अस्त्र से वर्षा करा देती है जिससे आग बुझ जाता है। ये देखकर शिवा काफी शॉक्ड हो जाता है जहाँ पे जुनून शिवा से कहती है अग्नि अस्त्र हमारे देवता ब्रह्म देव के पास था, यह तुम्हारे पास कहाँ से आया, अगर है भी तो तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन शिवा कभी बुराई का साथ नहीं देता है। इधर दूसरी तरफ ईशा ब्रह्मास्त्र के आखिरी टुकड़ा लेके भाग जाती है लेकिन जुनून उसका पीछा कर रही होती है। इधर सारे ब्रह्मास्त्र जुनून के फौज से लड़ रहे होते हैं। जुनून ईशा के पास आके उसे मारकर वह टुकड़ा छीनने वाली होती है कि तभी ईशा जोर से शिवा चिल्लाती है। ईशा का आवाज सुनते ही शिवा तुरंत वहाँ पहुंचकर जुनून के सामने आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे शिवा जोर को मार देता है और जुनून को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे जुनून का साथ अग्नि देव दे देता है जिससे आका कोई प्रभाव जुनून पे नहीं पड़ता है, जिसके कारण से जुनून ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को जोड़ लेती है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र पूरा होता है कि सबसे पहले जुनून ही मारी जाती है और फिर से वही हाल हो जाता है जो सालों पहले हुआ था। जमीन फटने लगती है, एक बहुत बड़ा बवंडर उठता है और दुनिया तबाह होने के कगार पे आ जाता है। शिवा और ईशा अलग अलग फंसे होते हैं लेकिन शिवा अपनी जान की परवाह किए बगैर ईशा को बचाने दूसरी तरफ जाता है जहाँ पे ये दोनों को पता होता है कि अब उन दोनों की जान जाने वाली है। उसी वक्त ब्रह्मास्त्र जाग जाता है और उसकी पूरी शक्ति शिवा के ऊपर ही पड़ने लगती है लेकिन शिवा की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो ब्रह्मास्त्र की शक्ति को कंट्रोल कर लेता है। ये सब होता है प्यार की वजह से। अगर शिवा ईशा को बचाने नहीं जाता तो ब्रह्मास्त्र की शक्ति उस पर पड़ती ही नहीं। ये देखकर गुरुजी कहते हैं इसलिए कहा जाता है कि प्यार ही वो सबसे बड़ा अस्त्र है जो सभी अस्त्रों से बड़ा माना जाता है। और ये शिवा ईशा की लव स्टोरी यहीं पे एंड होती है। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।